नमस्कार दोस्तों, द प्रीता शो में मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो। तो आज मैं चल रही हूँ मीशो हॉल की तरफ। मी कुर्तियाँ मंगवाई है जो गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छे हैं और मैं आज उनका रिव्यू देने वाली। ये आज देख रहे होंगे कि मैंने ये अपना आज मीशो से हमारा पैकेट आया है और मैं आप लोगों के सामने से खोल रही हूँ। दोस्तों तो आज का ये पहला कुर्ती मैंने आपको दिखलाया है इस तरीके से। ये पिस्ता ग्रीन कलर का ये कुर्ती है, आप देख रहे होंगे। और इसकी बाजू ये रेयन में है, इसका जो मटेरियल है रेयन में है, बाजू थ्री क्वार्ट है विथ अम्ब्रेला और काफ़ी अच्छा है। ये मैंने डबल एक्सेल साइज का मंगवाया हुआ है। तो मैं आपको जैसा कि स्क्रीन में दिखला रही हूँ कि इसके काफ़ी अच्छे फैब्रिक हैं और इसके साथ ये इसका बॉटम भी काफ़ी अच्छा आया है। आप देखो ये सरारा इसका बॉटम है, प्योर इसका रेयन है, रेयन कपड़े में है। और ये आप जैसा कि मैं दिखला रही हूँ आपको स्क्रीन पे, आप इसका काफ़ी अच्छा है। इस पर जिस आकार जिस कलर में कुर्ती है उसमें उस कलर से इसमें वर्क किया हुआ है। साथ में मिरर भी है, आप ध्यान से देख सकते हो दोस्तों, ये मिरर भी है। और इसका काफ़ी अच्छा, ये इसका कटिंग काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी अच्छे फिट आए। मैं आपको स्क्रीन पे दिखला रही हूँ कि किस तरीके से ये आपको फ्रंट कर रहा है। तो ये वाली जो कुर्तियाँ है, कुर्ती सेट है, ये सरारा सेट है और ये मुझे पड़े हैं सिर्फ और सिर्फ 557 रुपीज़ में। दोस्तों आप देखोगे 557 में आपको मार्केट में एक प्लाजो भी अच्छे क्वालिटी का नहीं मिलेगा। सरारा तो आप मार्केट से लेते हो तो 750-800 रेंज का शुरू ही होता है। तो मुझे सेट के साथ मिले और मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बॉटम कभी भी मिलाती नहीं। अगर मैं सिंगल कुर्ती खरीद कर लाऊँ तो वो कुर्ती मेरा परारा जाता है, उसका बॉटम नहीं मिलाया मैंने और मैं पहन नहीं पाती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मीशो से लेना और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो दूसरा हमारा प्रोडक्ट है, मैंने एक और प्रोडक्ट मंगवाया है, ये है, ये कुर्ती है आपको चिकनकारी में। देखो ये कलर काफ़ी सुंदर, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये कलर। आप देख पा रहे होगे कि काफ़ी अच्छा ये कलर है और ये ए लाइन कुर्ती है। इसे मैं आपको नीचे तक दिखलाती हूँ, ये ए लाइन कुर्ती है और इसके बाजू इसके इसमें आपको लगभग फुल बाजू है। अगर आपके हाथ ज़्यादा लंबे हो, मेरे में तो फुल आ रहे हैं, अब आपके हाथ ज़्यादा लंबे हो तो हो सकता है ये थ्री क्वार्ट हो जाए। और इसमें देखो काफ़ी अच्छे से इसमें छोटे 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 बटन्स लगे हुए हैं कपड़े का ही कलर का, और काफ़ी अच्छा चिकन वर्क है। और ये कपड़ा आपको चिकन कॉटन में है, काफ़ी अच्छा काफ़ी सॉफ्ट, आप देख सकते हो इस तरीके से। और ये इसको कितना भी इस तरह से कर दो, इस कपड़े का बेनिफिट यही है कि आप कितना भी इसे चुमोड़ दो आपको ये फिर से इस आपको इसमें आयरन करने की ज़रूरत नहीं है। आप धो उसको, पहनो धो पहनो। और मैं तो बहुत आलसी हूँ, आयरन करना, कपड़े प्रेस करना मुझे सबसे भारी काम लगता है। तो इसके लिए मुझे ये कुर्ती काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि मैंने इसे अभी वाइट स्कर्ट के साथ कैरी किया है। इसके साथ मैंने रेड के साथ भी मैं कैरी कर सकती हूँ, रेड स्कर्ट के साथ। इसके साथ येलो लेगिंग्स, येलो प्लाजो, येलो स्कर्ट सब मैचिंग होंगे। तो आप एक कुर्ती को तीन तरीके से पहन सकते हो, तीन बॉटम के साथ टाई अप्स करके। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया कि ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं आपको बता दूं कि मीशो का ये प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता है। ये कुर्ती इसकी प्राइस 1100 रुपये है और 1150 सॉरी 1150 रुपये है और मैंने इसे मंगवाया है और काफ़ी अच्छा मुझ पर, आप देख रहे हो स्क्रीन पे मैं कैसे इसे फ्लॉट कर रही हूँ पहन के। और इसके साथ रेड का टाई अप करोगे काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं आपको बता दूँ कि मीशो के जो प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी सस्ते होते हैं और काफ़ी अच्छा क्वालिटी होता है। कभी कभी है कि कुछ रेयन वगैरह में कुर्ती मैंने मंगवाया है तो वो मुझे थोड़े से बाद में धोने के बाद श्रिंक करते हैं, लेकिन अमूमन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ट्राई करो, काफ़ी चीप एंड बेस्ट क्वालिटी की है। तो
दोस्तों आज का ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में डालें कि आप क्या मेरे से और भी कुछ क्या टॉपिक पे सुनना चाहते हो। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय।